हाय दोस्तों, कैसे? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू फोकस ऑल एग्जाम यूट्यूब चैनल से एक बार स्वागत करता हूं। तो हम बात करने वाले इस वीडियो में असम राइफल रिक्वायरमेंट 2022 से रिलेटेड। जी हाँ, 2022 से रिलेटेड क्यों बात करना, आप लोगों को बता दें, वो पोस्ट आप लोग आई थी 1380 पोस्ट, अब तक आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। तो जो भी कैंडिडेट आप लोग क्लियर कर चुके हैं, मतलब उनका ज्वाइनिंग डेट भी आ चुका है। ज्वाइनिंग डेट आप लोग का है तो 25 जनवरी आप लोग का ज्वाइनिंग डेट है। तो हम ये बात करने वाले आप लोग इस वीडियो में, ज्वाइनिंग के समय आप लोग का क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट नहीं है तो बनवा लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल ए टू जेड हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट रिलेटेड, आप लोग का हर चीज़ बात करेंगे, डॉक्यूमेंट क्या क्या वहाँ पर ले जाना है, ठीक है। कैसे आप लोग का असिस्टेंट करना है, मतलब आप लोग गैजेट असिस्टेंट किसे भी सिग्नेचर करवाना है, कैसे क्या क्या, बिल्कुल ए टू जेड बताने वाला हूँ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। और आप लोग क्या बताने वाला हूँ, ज्वाइनिंग लेटर जिनका भी आ चुका है, ठीक है, वो तो सही है, बट जिनका नहीं आया है वो क्या करें, बिल्कुल हम बात करने वाले हैं, ठीक है। जिनका नहीं आया वो क्या करें, बिल्कुल हम बात करेंगे। उसके बाद आप लोग को बात करने वाले हैं, आप लोग का 25 जनवरी को ज्वाइनिंग डेट है सभी लोगों का, रेडियो ऑपरेटर लाइन मतलब लोग जो कैंडिडेट है उनको ज्वाइनिंग डेट आप लोग कहाँ पर है, आप लोग का दीपू है, दीपू आप लोग का है, ठीक है, दीपू असम, वहाँ आप लोग का ज्वाइनिंग आप लोग का 25 जनवरी को है। तो आप लोग को वो जाना पड़ेगा, वहाँ पर आप लोग का जाना है, ठीक है। दोस्तों हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में आप लोग का कैसे कैसे आप लोग को बिल्कुल ए टू जेड बात करने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दो, जो भी कैंडिडेट अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नए वीडियो आए सबसे पास नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मैं नोटिस आप लोग का मतलब पीडीएफ नोटिस में आ गया हूँ। देखिए आप लोग बताने वाला हूँ कैसे आप लोग क्या क्या ले जाना डॉक्यूमेंट, ठीक है, प्रोविजनल। सो फर्स्ट बता दें आप लोग क्या करना है। पहले आप लोग का देखिए यहाँ पर लिखा होगा ना, यहाँ पर आप लोग का जो नोटिस आप लोग का आया है, जो आप लोग का जीमेल पर मैसेज आई है, वो आप लोग क्लिक करने वाला, पीडीएफ खोलने के बाद आप लोग आया, देखिए यू आर हेयरबाय डायरेक्ट टू रिपोर्ट असम राइफल ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल, मतलब आप लोग का ट्रेनिंग सेंटर स्कूल जो है ना दीपू में आप लोग का यहाँ पर रिपोर्ट करना है। कितने तारीख को, 25 जनवरी 2023 को 8 बजे सुबह आप लोग का एंट्री हो जाएगी, ठीक है। सुबह 8 बजे आप लोग को एंट्री हो जाएगी। बेसिकली देखिए लिखा है ना, बेसिकली मिलिट्री ट्रेनिंग अलॉन्ग विद दी फ्लोइंग द डॉक्यूमेंट एंड ओरिजिनल के साथ आप लोग का 4 सेट आप फोटो कॉपीज डॉक्यूमेंट ड्यूली असिस्टेंट गैजेट ऑफिसर फेलिंग विथ योर द कैंडिडेचर मैं भी द कैंसिल, ठीक है। मतलब कहने का मतलब आप लोग का जो आप लोग का डॉक्यूमेंट 4 कॉपी ले जानी है ना, सभी ऊपर आप लोग का सिग्नेचर करवाना है, मतलब गैजेट ऑफिसर जो भी आप लोग का गवर्नमेंट सरकारी आप लोग का सर वो है उनको मतलब करवाना, आप लोग का करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग का गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी करा सकते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी करा सकते हैं। उसके बाद आप लोग का टीचर से भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो गवर्नमेंट टीचर है उनसे भी आप लोग का करा सकते हैं, ये आप लोग का हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो सिग्नेचर आप लोग को सभी कॉपी में कराना है, 4 कॉपी में जो दिया फोटो कॉपी में, 4 कॉपी सभी कराना। देखिए क्या क्या आप लोग को दिया गया, देखिए फर्स्ट आप लोग दिया गया है एजुकेशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, जो आप लोग का एजुकेशन सर्टिफिकेट है, जो आप लोग का 10th का मार्कशीट हो, आप लोग का 12th का मार्कशीट हो, ये आप लोग को ले जाना, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी रख लें कोई बात नहीं, पर आप लोग को ये दोनों आप लोग का नेसेसरी है, क्योंकि जब आप लोग का फॉर्म भरते वक्त दोनों आप लोग का लगा था, ठीक है। 12 पास आप लोग का है, बट आप लोग का 10वीं का लगा इंपॉर्टेंट है लगाना, ये आप लोग को दोनों आप लोग का रेडी कर लेना। फोटो कापी 4 करवाना है, आप लोग का ओरिजिनल भी ले जाना है, ठीक है। उसके बाद SC ST OBC कैंडिडेट है उनको आप लोग सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंपिटेटेड अथॉराइज्ड, ठीक है, ये आप लोग ओबीसी सर्टिफिकेट ले जाना है। अगर SC ST OBC कैंडिडेट है तो उनको आप लोग को ले जाना है सेंट्रल लेवल वाले, ठीक है, ये आप लोग का तीनों आप लोग का जो भी मैंडेटरी आते हैं उनको ले जाना है, वो जनरल वाले को तो नहीं लगता है आप लोग का कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं आप लोग का क्या ले जाना है, उसके बाद आप लोग का डोमिसाइल परमानेंट रेसिडेंटियल ऑफ सर्टिफिकेट ले जाना, ठीक है। डोमिसाइल मतलब आप लोग को निवास ले जाना है, ये आप लोग को ले जाना, ठीक है। आप लोग लिखा है ना टेम्प्रोरी रेसिडेंटल सर्टिफिकेट नॉट बी एक्सेप्टेड, आप लोग को टेम्प्रोरी नहीं चाहिए, आप लोग को परमानेंट वाला चाहिए, ठीक है, यहाँ परमानेंट रेसिडेंट ऑफिस सर्टिफिकेट चाहिए, देखिए लिखा है। उसके बाद आप लोग का डी नंबर दिया है, आप लोग का लेटेस्ट करेक्टर सर्टिफिकेट उसी डेट नॉट बी मोर देन 6 मंथ, मतलब आप लोग को करेक्टर सर्टिफिकेट लेटेस्ट ले जाना अगर, ठीक है दोस्तों। सभी लोग बनवाए होंगे, आई होप सभी लोग बनवाए होंगे, तो करेक्ट सर्टिफिकेट आप लोग कम से कम 6 मंथ आप लोग को पहले होना चाहिए, 6 मंथ के बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये आप लोग को ले जाना है। 4 कॉपी सभी को ले जाना है, ये मतलब आप लोग का 1 कॉपी ले जाना है, सभी को 4 कॉपी, अगर 4 कॉपी दिया आप लोग को 5 कॉपी ले जाए, ठीक है, 5 कॉपी ले जाए कोई दिक्कत नहीं, 1 कॉपी आप लोग का एक्स्ट्रा ले जाएंगे, ठीक है, सभी लोगों को, सभी डॉक्यूमेंट को। उसके बाद आप लोग का टेक्निकल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट ऑफ द ट्रेड इफ एप्लीकेबल, अगर आप लोग का टेक्निकल सर्टिफिकेट आप लोग क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है, अगर आप लोग कोई भी ट्रेड आप अलग ट्रेड में अगर ORL में डाले होंगे तो उसमें आप लोग को मतलब सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा है ना, टेक्निकल सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, उसमें आप लोग कोई दिक्कत नहीं, अगर जो भी टेक्निकल सर्टिफिकेट में डाले हुए हैं उनके आप लोग जैसे आप लोग का हो गया मैकेनिकल में उनका आप लोग को मांग रहा है, ठीक है, उनको आप लोग को जरूरी है उनको जरूर ले जाना है, ठीक है, और बता दें इनको ले जाना जिसके पास है, ठीक है। उसके बाद आप लोग बात करते हैं एफ की 10 कॉपी ऑफ रिसेंटली फोटो साइज फोटोग्राफ्स, मतलब आप लोग का रिसेंटली फोटो खिंचवा के जाना है, 10 कॉपी आप लोग लिखो ले लेना है, ठीक है दोस्तों। 10 कॉपी कितना, 10 कॉपी ले लेना है, 10 मांगा है तो 15 ले लो कोई दिक्कत नहीं है, 15 रख लो, ठीक है, 15 रख लो। उसके बाद आप लोग बात करते हैं
सो हम बात करें आप लोग का जी आप लोगों को दिया गया है 3 copies ऑफ ज्वाइंट पासपोर्ट फोटोग्राफ विद द नेक्स्ट ऑफ किन परफेवली मदर्स, मतलब कहने का मतलब आप लोग का जो आप माता पिता के माता के ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, माता आप लोग को ज्वाइंट फोटो कर खिंचवाना है, मतलब ठीक है एक ही में फोटो ज्वाइंट फोटो आती है, जैसे ज्वाइंट अकाउंट खुला जाता है तो ज्वाइंट फोटो लगती है और आप लोग सभी लोग जानते होंगे, तो उसी तरह फोटो आप लोग खिंचवा लेना है। 3 copies मतलब कहा गया लेने के लिए, बट आप लोग को 5 copies ले जाना, ठीक है ये हो गया। उसके बाद आप लोग इसकी बात कीजिए, इस आप लोग को दिया गया एज प्रूफ सर्टिफिकेट ऑफ मदर फादर ब्रदर एंड सिस्टर, तो आप लोग को जो एज प्रूफ में क्या ले जाना है, आधार कार्ड ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आधार कार्ड ले जा सकते हो आप लोग का सभी का, ठीक है सभी का आप लोग आधार कार्ड ले जाना है। उसके बाद आप लोग का दिया गया है जे में पैन परमानेंट नंबर, आप लोग का पैन कार्ड और आप लोग का आधार कार्ड ले जाना है, जो कि आप लोग का मैच होना चाहिए 10वीं क्लास से, ठीक है जो आप लोग का नाम दिया गया ना सबको मैच होना चाहिए आप लोग 10वीं क्लास से, ये ना कि आप लोग का मैच ना हो तो आप लोग का गलत हो जाएगी, ठीक है ये हो गया। उसके बाद आप लोग का दिया गया के पर कैंडिडेट शुड हैव ए सेविंग अकाउंट इन शेड्यूल ऑफ बैंक विद कोर बैंकिंग फैसिलिटी, कैंडिडेट शुड बी इन पोसेसिंग ऑफ ATM कार्ड एंड बैंक पासबुक ऑन अराइव एट असम राइफल ट्रेनिंग सेंटर स्कूल दीपू असम, द कैंडिडेट शुड ऑल्सो नोट द बैंक कोड ऑफ द ब्रांच इट नेम एंड द स्टेट विच इट्स लोकेटेड, जनधन योजना नॉट बी एक्सेप्टेबल, मतलब आप लोग कहने के बाद जनधन योजना आप लोग खाता नहीं होना चाहिए, ठीक है ये एक्सेप्ट नहीं, मतलब स्वीकार नहीं करेंगे बैंक वाले वहाँ पर, तो इसलिए आप लोग का अगर खाता आप लोग का है जो भी आप लोग बैंक, बस अब जनधन योजना का आप लोग को नहीं होना चाहिए अकाउंट, अगर जो भी अदरवाइज कोई भी अकाउंट है तो आप लोग को चल जाए कोई दिक्कत नहीं, ATM आप लोग को होना चाहिए, ठीक है ATM होना चाहिए, पासबुक होना चाहिए, दोनों आप लोग के साथ में होना चाहिए, इसका आप लोग को फोटो कॉपी ले जाना है ले जाइएगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों ये ले जाना आप लोग का, ये हो गया आप लोग का होना, ये आप लोग अगर नहीं है तो बैंक आप लोग खुलवा लीजिएगा, जनधन योजना में आप लोग को अकाउंट नहीं खुलवाना है ये आप लोग याद रखिएगा। उसका आप लोग को दिया गया 3 नंबर आप लोग देख सकते हैं, यू विल बी द अपॉइंटमेंट ऑफ रिक्वेस्ट और फ्रॉम द डेट ऑफ द रिपोर्टिंग इन द सेंट्रल स्कूल एंड पे बी अलाउंसेस विल बी एडमियर अकॉर्डिंग, मतलब आप लोग जो रिपोर्ट करेंगे ना आप लोग हो जाएगा डेट ऑफ रिपोर्टिंग टू बी दिस, ये हो गया आप सब कुछ आप लोग बता दिए आप लोग का, ये सब कुछ देख सकते हैं, इफ यू फेल टू सक्सेसफुली कंप्लीट द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग इन दिस शेड्यूल्ड पीरियड ऑफ योर सर्विस एप्लीकेबल फॉर टर्मिनेटेड विदाउट एनी नोटिस एंड सिग्नलिंग एनी मतलब रीजन, करेंगे मतलब आप लोग का। सो दोस्तों मैंने बिल्कुल A to Z आप लोग को बता दिया कैसे आप लोग को डॉक्यूमेंट ले जाना है, कैसे आप लोग को सिग्नेचर कहाँ से करानी है, ठीक है सिग्नेचर आप कहीं से करा सकते हैं, मैंने बार एक बार और बता दूं आप लोगों का सिग्नेचर आप लोग का चाहे तो आप लोग का जो गवर्नमेंट आप लोग का हॉस्पिटल होती है वहाँ से आप लोग जाकर करा सकते हैं, ठीक है हॉस्पिटल में भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी करा सकते हैं। उसके बाद आप लोग का 2 options है, एक और ऑप्शन है आप लोग का टीचर, जो आप लोग का सरकारी टीचर होते हैं उनसे भी आप लोग का सिग्नेचर करा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ये आप लोग का हो जाएंगे बाद सभी डॉक्यूमेंट में करा लीजिएगा, चार्टर का भी जो दिया गया उस पर करा लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद बता दें दोस्तों कैसे आप लोग का ज्वाइनिंग लेटर जिनका भी नहीं आया वो क्या करें, बिल्कुल हम बात करने वाला है जिनका ज्वाइनिंग लेटर नहीं है वो क्या करें, तो फर्स्ट आप लोग जीमेल तो सभी के पास आएंगे, ठीक है जीमेल सभी के पास आए हुए हैं तो वो आप लोगों का क्या करना है मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है तो देखिए पहले बता दें जीमेल जिनका भी जिनके पास आया है सभी के पास आया है जीमेल, ठीक है तो क्या करना है जीमेल का आप लोग को जो दिया गया आप लोगों को PDF फॉर्म में दिया गया, PDF ओपन करने के बाद आप लोग ओपन करेंगे तो जैसे आप लोगों को लिस्ट आप लोग आएगी, लिस्ट खुलेगी आप लोग का कम से कम 20 स्टूडेंट का नेम होगा तो नाम होगा उसमें आप लोग का जीमेल और आप लोग का मोबाइल नंबर दिया होगा, उसके बाद आप लोग को नीचे आएंगे तो इंस्ट्रक्शन दिया होगा कैसे आप लोग को डॉक्यूमेंट ले जाना कैसे सब कुछ मैं आप लोग को ओपन करके दिखा चुका हूँ पहले, ठीक है बता चुका हूँ तो आप लोग क्या करना है वहाँ पर आप लोग जो आप लोग का प्रिंट आउट क्या करना है आप लोग का देखिए नाम जो दिया गया ना आप लोग का जिसमें आप लोग डॉक्यूमेंट ओपन करके नाम दिया गया ना वो आप लोग का सभी का मतलब ये नहीं कि अपना जो नाम आप लोग का लिस्ट दिया गया 20 स्टूडेंट का उनको आप लोग का प्रिंट आउट करवाना है ना, उसके बाद नीचे वाला भी आप लोग का प्रिंट आउट करवाना है ना, ठीक है 2-3 पेज में होगा कोई दिक्कत नहीं हो करवा लेना प्रिंट आउट वही आप लोग का रिपोर्टिंग में ले जाना है, ठीक है वहाँ आप लोग का दिया गया है अभी शेड्यूल आप लोग का 25 जनवरी को ज्वाइनिंग करना है वहाँ पर आप लोग का तो आप लोग का देख लीजिएगा समय आप लोग का हिसाब से आप लोग जाइएगा वहाँ पर आप लोग 25 एक दिन पहले पहुँच जाइएगा कोई दिक्कत नहीं है, उसका आप लोग का ज्वाइनिंग 25 तारीख को डेट है, ठीक है वहाँ आप लोग कर लेंगे तो कोई भी आप लोग क्यूरी हो तो मैं प्रश्न नंबर सभी के पास से जो भी कैंडिडेट आप लोग क्वालिफाई किए हैं, ठीक है अब तक मेरे मतलब मान के चलो सभी लोग जो क्वालिफाई किए हैं तो मैं सभी के पास मेरा नंबर होगा तो आप लोग का व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं पर्सनली कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है और चलिए मिलते हैं अगर मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग का अगर मैसेज करना चाहते हैं तो आप लोग का नया नंबर है तो मैसेज करना चाहते हैं टेलीग्राम पर लिंक टेलीग्राम कर रहे हैं आप लोग इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ जाकर फॉलो करके और मुझसे मैसेज कर सकते हैं वहाँ से भी मैं रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में तब तक कि जय हिंद जय भारत।